तमाम सारे संकटों का सामना कर रहे किसानों की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए अन्नदाता किसान यूनियन ने चिंतन शुरू कर दिया है। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह विर्क ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के हितों के लिए यूनियन का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, व्यवस्था से है। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर शुरू हुआ अन्नदाता किसान यूनियन के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में किसान यूनियन प्रतिनिधियों ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने विचार रखे। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह विर्क ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की लड़ाई व्यवस्था से है। केंद्र सरकार को किसानों के हित में फैसले लेना चाहिए। केंद्र सरकार को किसानों से किए वादों को तत्काल पूरा करते हुए MSP गारंटी कानून को लागू करना चाहिए। चिंतन जो है हम 9 साल से इस जगह पे कर रहे हैं और किसानों के और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो 378 दिन लगातार हम टिकरी बॉर्डर के अंदर बैठकर उस मोदी सरकार को हर वक्त यही कोसते रहे, गर्मी और सर्दी के अंदर हम एक ही फैसला लेके गए थे कि MSP की गारंटी का कानून बनाइए, और वो लेने गए थे, वो हमें उन्होंने एक लॉलीपॉप देकर वो हमें आज तक कोई ऐसा जो है MSP की गारंटी का कानून नहीं बनाया। यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव अमरीक सिंह टाटरी ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। देश का किसान मजबूत होगा तो देश तरक्की की ओर अग्रसर हो जाएगा। अमरीक सिंह टाटरी ने कहा कि गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया भुगतान नहीं मिलने से किसान आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकार को किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द दिलाना चाहिए। यूनियन संगठन मंत्री कैप्टन रंजीत सिंह झागड़ा ने बताया कि 30 मई तक चलने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूरे देश से किसान आए हैं। सम्मेलन में किसानों की समस्याओं पर चिंतन मनन के पश्चात प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। सरकारों को किसानों की समस्याओं का हल निकालने के लिए उनसे निवेदन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।